हेलो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द साइंस ऑफ सेवंथ क्लास. सो इन सेवंथ क्लास साइंस टुडे वी विल टीच यू अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेसन थर्ड इज गोइंग ऑन, चैप्टर थर्ड इज गोइंग ऑन. इन चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन. एक्सरसाइज में टुडे वी विल टीच यू अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग वूल एक्सट्रैक्शन. वूल को एक्सट्रैक्ट करने में कौन सी सीरीज इन्वॉल्व होती है? जब हम वूल प्राप्त करते हैं तो उस वूल को प्राप्त करने में कौन सी सीरीज इन्वॉल्व होती है, कैसे प्राप्त होता है, उसके क्या स्टेप होते हैं वो बताना है. तो देखिए लिखा है द स्टेप इन्वॉल्व इन वूल एक्सट्रैक्शन आर एज फॉलोज. नीचे दिए गए कुछ स्टॉप जो वूल एक्सट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो नीचे दिए गए. फर्स्ट स्टेप इज दैट शियरिंग. शियरिंग देखिए शियरिंग क्या होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ शियरिंग क्या होता है. The process of removal of the fleas from the animal is called shearing. Removal of the flea को रिमूव करना, और कहाँ से? From the animal, animal से flea को रिमूव करना. Flea क्या होता है? Fleas means होता है skin with hair, है ना, hair with skin, outer covering. तो shearing क्या है? The process of removal of the fleas from the animal is called shearing. ये shearing कहलाता है, जिसमें क्या होता है fleas को अलग कर लिया जाता है. एक है इसमें फ्लीज को अलग कर लिया जाता है हेयर को. दूसरी प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है स्कोरिंग. अब देखिए स्कोरिंग क्या होता है. स्कोरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट और ग्रीस. डस्ट और ग्रीस को रिमूव करने की प्रोसेस, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट और ग्रीस बाय यूजिंग डिटर्जेंट. अब जो हमको वो प्राप्त होता है बोल, उसमें डस्ट या ग्रीस होता है, तो उस डस्ट और ग्रीस को रिमूव करने की प्रोसेस जो है वो स्कोरिंग कहलाती है. और ये डस्ट और ग्रीस जो ना, रिमूविंग डस्ट और ग्रीस, ठीक है, बाय यूजिंग डिटर्जेंट. डिटर्जेंट के द्वारा डस्ट और ग्रीस को रिमूव किया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस स्कोरिंग कहलाती है. थर्ड स्टेप इज दैट सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग. आफ्टर स्कोरिंग द डैमेज्ड और इंफीरियर बूल. डैमेज मतलब जो बेकार बूल होता है, इंफीरियर जो अच्छा बूल होता है. डैमेज या फिर इंफीरियर मीन्स जो घटिया बूल होता है. डैमेज मतलब बेकार, और इंफीरियर का मतलब भी होता है घटिया, है ना, घटिया या खराब बूल होता है, उसको रिमूव कर लिया जाता है. अच्छा बूल जो है ना वो अलग कर लिया जाता है. सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, इसमें क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग डैमेज और इंफीरियर, बेकार वाला घटिया वाला जो बूल होता है उसको अलग कर लेते हैं और अच्छा वाला अलग कर देते हैं. तो दिस इज द स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन बूल एक्सट्रैक्शन. कौन कौन से? शेयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग. थ्री स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन बूल एक्सट्रैक्शन. ओके, इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.